सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सड़क सुरक्षा नियमों को जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत पर बल देते हुए सभी से सड़कों को सुरक्षित बनाने की मुहिम में पूरे दिल से योगदान देने की अपील की है। उन्होंने मंडी के सिरिमंच से जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए इसके संदेश को गांव-गांव और घर घर पहुँचाने की अपील की। इस मौके पर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मिनी मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार सड़क सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर गहनता से चिंतन कर रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनके मुकाबले गाड़ियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या कैसे नियंत्रित हो इसे लेकर भी विचार किया जा रहा है। सड़क पर चलने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। अनेक मामलों में युवा यातायात नियमों की अवहेलना को खूबी की तरह दर्शाते हैं। मोबाइल चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग फैशन बनता जा रहा है। नियमों के उल्लंघन की यह प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। इसे तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है। आवश्यक है कि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन करें। इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए केंद्र सरकार ने यातायात नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। इन नियमों को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। प्रदेश सरकार सड़कों के सुधार और विस्तार पर जोर दे रही है ताकि सड़कें वाहन चलाने के लिए सुगम और सुरक्षित हो सकें। बीते 1.5 साल में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया गया है। नंबर निकाल रहे हैं कि अब थाने को जाओ, टेलीफोन करना, मोबाइल पे बात करनी है। अब ध्यान है या तो सड़क पे रखिए या फिर मोबाइल पे रखिए। जब आप 50-50 से ध्यान को बांटेंगे तो निश्चित तौर पे दुर्घटना जो है अपना स्थान लेगी ही लेगी। और जब दुर्घटना घटती है तो दुर्घटना कोई बोल के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, वो तो पलकों में जब दुर्घटना घट जाती है और उसमें बहुत ऐसी बहुमूल्य जाने जो है वो सदा के लिए बिछड़ जाती है। और बहुत ऐसे हमारे दुर्घटनाग्रस्त जो इंसान है उनकी वो हालत होती है, कहीं की रीढ़ गड्डी टूट जाती है, कहीं की टांगें चली जाती है, वो फिर दूसरों के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। हम सड़क सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मास्क दिखाते हैं कि रेड लाइट जली हुई है। हम कहेंगे कि मैं किसी नेता का बेटा हूँ, मैं किसी अधिकारी का बेटा हूँ, मैं खुद ही किसी बड़े पद पर बैठा हूँ, तो मेरे लिए रेड लाइट जो है वो कोई मायने नहीं रखती। मैं रेड लाइट का उल्लंघन करके जो है वो वहां से क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। कि देश ने कानून बनाया है, कि देश जो है किसी कानून के अंतर्गत चलता है। मेरा आग्रह रहेगा सभी भाई बहनों से और विशेष करके अपने युवा पीढ़ी जो मेरे सामने खड़ी है कि हम बनाए गए अधिनियम का, बनाए गए कानूनों का हम उसका पालन करें। मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं एवं सड़क पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को भी शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हुए एक स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल। रिपोर्ट के चैनल।